हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राइज टू वेक के बारे में। जैसे कि हम राइज टू वेक सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे सेटिंग पर फ्रेंड्स। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, राइज टू वेक को ऑन कर देना है। और मेरा ये ऑन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन को ऑफ करके टेबल पे फ़ोन रख देंगे, और आपने राइज टू वेक ऑन कर रखा है और अपने फ़ोन को उठाकर जैसे ही अपनी स्क्रीन की मतलब फेस की तरफ लाएंगे तो आपकी जो लाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आपकी जो लाइट है वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो बहुत ही ईजी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है राइज टू वेक। तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा और इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें और भी सेटिंग्स होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट, यानी कि हम थ्री फिंगर से डाउन करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, स्क्रीनशॉट आ गया। और ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।